पंजाब के लोगों वास्ते वड्डी जानकारी निकल के सामने आ गई। हाँ जी, तुहानू दस दिता जाता है पंजाब के लोगों वास्ते मुख्य खबर वड्डी जानकारी खास अपडेट निकल के सामने आ गई है, तुहानू पहले दस दिता जाता है। हाँ जी, अज तुहाडे वास्ते दो अपडेटा लैके आए हैं। पंजाब सरकार के सीएम भगवंत मान जी के वालों जिहड़ी अपडेट दे दी गई है, दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। हाँ जी, बल्कि दो नहीं ने, एक ही नोटिफिकेशन है। एको ही नोटिफिकेशन के सीएम भगवंत मान जी ने पंजाब सरकार के, हाँ जी, जो उन्होंने वालों अपडेट दे दी गई, एको नोटिफिकेशन के दो स्कीमों की अपडेट दे दी गई। एक है कि एक एक हज़ार महिला योजना स्कीम, हाँ जी, केजरीवाल जी ने जिंदा तुहाडा वादा किया, जब सीएम भगवंत मान जी ने तुहाडा वादा किया, प्रति महीना एक हज़ार औरतों जी स्कीम के बारे उसके बारे भी अपडेट दे दी गई है। तो दूसरी स्कीम हैगी है जी 1500 वाली पेंशन वधा के 2500 कर दी जाएगी। हाँ जी, उसके उपर भी जी अपडेट निकल के सामने आ गई, बिल्कुल तुहाडे सामने पेश की जाएगी। तुहानू नोटिफिकेशन विखाया जाएगा, तुहानू पढ़ के सुनाया जाएगा, पूरी अपडेट दे दी जाएगी। जेकर तुसी अपने चैनल पर पहली बार आए हो तो अपने चैनल में सबसक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल से सैट कर लो, तो पंजाब सरकार दे स्कीमां, केंद्र सरकार दे स्कीमां दा पूरा नोटिफिकेशन जेड़ा भी साडे तक मिल जाए, सानू अपडेट है उसका नोटिफिकेशन तुहानू पहुँचा दिता जाए। चलो जी, हम दस दें तुम्हें कि अपडेटा निकल के सामने आई ने। उस तो पहले तुम्हें एक गल होर दस देना, अपना मकसद हूँ पंजाब के लोगों को वो स्कीमों की जानकारी देना, तो अपडेट देना, फिर भावें केंद्र सरकार की स्कीम होवे कोई, तो फिर भावें अपने पंजाब सरकार की स्कीम होवे, उसके उपर आप अपडेट देते ही रहने। शुरू करते हैं जी, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके उपर जोड़ी पूरी अपडेट है, पूरी जानकारी तेरे साझी की जाएगी। चलो जी, वीडियो में लाइक जरूर कर लाइए, शुरू करते हैं। आप जानकारी निकल के सामने आ रही, आप सरकार औरतों हज़ार रुपये प्रति महीना पंता है बुढ़ापा पेंशन स्कीम समेत पंजाबियों नाल होर किते वादे तो लागू करन तो भज्जी पंजाब। जी, पंजाब दे जो आप सरकार हैगी होर वादे भी जिहड़े आप सरकार ने किए, हज़ार रुपये पंता बुढ़ापा पेंशन स्कीम ते होर भी कई इहोजी सहूलतां ने, स्कीमां ने, जिस तों लैके पंजाब सरकार भज्जी, इस दे उपर नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। हाँ जी, कि अपडेट निकल के सामने आ रही है, इस पूरा दस्या जाएगा तुहानू। चलो जी, चलते हैं, शुरू करते हैं। यह नोटिफिकेशन जो जारी किया गया तुहाडे फायदे वास्ते जारी किया गया। हाँ जी, तुहाडे वास्ते जानकारी है स्पैशल, इस नूं वीडियो नूं स्किप ऐड करके कृपा करके ना वेख्या जाए, तुहाडे वास्ते जानकारी है स्पैशल। चलो जी, शुरू करते हैं, तुहानूं दसदे हां नोटिफिकेशन दे विच 2022-2023 दे बजट दे विचकार वटांदरे विच भाग लैंदे आ। मनप्रीत सिंह अजाली ने कहा कि महिलावां जिन्हां ने आप सरकार बनाने अहम रोल अदा किया अपने आप को ठगिया महसूस कर रही ने। हाँ जी, जो महिलावां ने, औरतां ने, वो जिन्होंने आम आदमी पार्टी को जिताने वास्ते अहम रोल अदा किया, वो अपने आप को ठगिया महसूस कर रही ने। इस दे नाल अगे कहिंदे ने उन्हां कहा कि सरकार ने औरतों वास्ते कोई फंड रखवा नहीं रखा, जिस तो स्पष्ट है कि इस साल भी स्कीम लागू नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार वालों किए वादे अनुसार बुढ़ापा पेंशन लिए भी फंड रखवा नहीं रखन की निखेधी की। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ना तो जो औरतों वास्ते स्कीम लागू की जानी सी 1000 उस वास्ते कोई फंड राखवा रखा गया, तो ना ही बुढ़ापा पेंशन स्कीम के वास्ते राखवा फंड रखा गया। हाँ जी, उस तो अगे कहिंदे ने अजाली ने कहा कि भावें सरकार 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट लैके आई है, पर यह खर्चे लिए आमदन का स्रोत दसन विच नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि GST रिफंड का दौर खत्म हो रहा है, जिस नाल केंद्र तो मुआवजा मिलना बंद हो जाएगा। हाँ जी, जो GST का दौर भी खत्म हो रहा है, जो कि केंद्र सरकार तो मुआवजा मिलना भी अगर बंद हो जाएगा। एक सी ये जो अपडेट लैके आए हैं तुहाडे सामने। हाँ जी, ये जो अपडेट सी कि हज़ार स्कीम नूं लागू करन वास्ते इस साल जो फंड राखवा नहीं रखा गया, तो ना ही बुढ़ापा पेंशन स्कीम नूं वधाउण वास्ते कोई फंड राखवा रखा गया है। हाँ जी, ये अपडेट जे तुहानूं किन्नी वधिया लगी, किवें दी लगी, तुसीं कमेंट करके जरूर दस्सो जे, ते वीडियो नूं भी अपने जरूर लाइक करा जे। जेकर पहली बार आए तो अपने चैनल नूं भी सबसक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन नूं भी ऑल ते सैट कर लो, क्योंकि पंजाब सरकार दी, केंद्र सरकार दी इहो जी अपडेट तुहानूं डेली मिलदी रहनी है। चंगा जी, मिलदे हां कोई खास वड्डी अपडेट दे नाल।